भगवान श्री सीताराम जी के हेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप इस कलिकाल में भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हमको आपको प्राप्त हुआ है। कठिन काल मलकोश धर्मन ज्ञानन जोग जप परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर चतुर नर परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। अरण्य कांड में पूज्य पाद गोस्वामी जी कहते हैं, बाल कांड में कहते हैं, बोले बाबा मन क्रम कोई नहीं राधे 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 श्री राधे। बालकांड में भोले बाबा कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा। अरण्य कांड में कहते हैं परिहरि सकल भरोस राम ही भजहिते चतुर नर। चतिर श्रोमन ते जग माहि जे मनिलाग सु जतन कराए। जो भगवान का भजन करने में बुद्धि दिल दिमाग सब लगाता है, संग्रह करने में, भगवत स्मरण करने में, वो चतुर है। अपना काम निकाले संसार वाला, वो संसार के लिए चतुर हो सकता है, परंतु भगवत भजन जो संग्रहित कर रहा है सिद्धांत ये कहता है वही चतुर है। तो इस दृष्टि से इस परिभाषा के अंतर्गत हम आप चतुर हैं कि हम लोग समय निकाल कर और भगवान के भजन में, भगवत कथा में, भगवत सत्संग में यहाँ एकत्र आए। कलयुग में भगवत चर्चा करना कठिन है, कहना कठिन है, सुनना कठिन है, सुन लिया तो पालन करना कठिन है, सब कठिन है। परंतु जो कह रहा, कर रहा, सुन रहा और समेट रहा है ते चतुर नर। मनुष्य मात्र को क्या योग्य है आज इसकी कथा है। संग्रह संसार का करना है कि संसार के स्वामी का करना है? संग्रह संसार के सामान का करना है कि सामान के स्वामी का करना है? अस विवेक जब देई विधाता तब तज दोष गुन ही मन राता राता। यह विवेक ही मिलता है सत्संग से, बिनु सत्संग विवेक ना हो। कई लोग कहते हैं महाराज ये कथा सुनने से क्या होना है, कथा सुनने से कल्याण हो जाता है। इसलिए जीवन मुक्त तो महामुनि जेवु हरि गुण सुनहि निरंतर तेउ। तो ले रहिए, गाए रहिए, भजे रहिए, गुनगुनाए रहिए, बुदबुदाए रहिए। भगवान का नाम, भगवान की कथा कान में, भगवान का दर्शन नेत्रों में, भगवान का नाम जिह्वा पर,
आज ये सारे प्रसंग उपस्थित हो गए कि संग्रह किसका करना है। कल हम आप तीर्थराज प्रयाग में प्रभु को मैया भैया को विश्राम कराए थे। प्रातःकाल त्रिवेणी जी स्नान भया, ब्राह्मण देवताओं को कुछ दक्षिणा भगवान ने भेंट की, भरद्वाज जी के पावन आश्रम से विदा चाहते। भरद्वाज जी ने अपने सौभाग्य को सराहा है, प्रभु आज मेरा तीर्थराज प्रयाग रहना सफल हो गया। सफल सकल शुभ साधन राम तुम्हें अवलोकत। आज हमारे सौभाग्य को हमको ही सराहना पड़ेगा, उसके लिए कोई अलग से नहीं आएगा। एक भाई हमको मिले, वो बैठे तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपनी ही प्रशंसा लगाए रहे आधा घंटा। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये सब लिख करके याद किया है कि ऐसे याद है? दूसरे की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही गुण बताए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात बोले बोले महाराज श्री, दोष बताने के लिए तो दुनिया खड़ी है, अपना गुण हमसे अच्छा कौन जानता है। इसलिए हमेशा अपने, किसी ने एक सूत्र भेजा है कि जब से जन्म लिया हूं अब तक दोष बताते 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 लोगों ने मेरे अंदर दोष सब निकलवा दिया, अब मेरे में केवल खूबियां बची है। कहने वाले भी क्या कह जाते हैं साहब। इसलिए हम अपने सौभाग्य को सराहें, दुर्भाग्य का स्मरण न करें। कितना सौभाग्य है, और जिसको रोना है वो तो आप कहीं भी विराजमान कर दो रोते ही रहेगा। और जिसको आनंद में रहना है आप कहीं रखो, वो आनंद ही में रहेगा, वो आनंद को बना लेगा, आनंद बना लेगा, कोई दूसरा थोड़ी बनाएगा।